सब्जी गए हो गई थी, मैं कहाँ गई थी, घर की ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी तो वो लेने के लिए गई थी, रिलायंस गई थी सुपरमार्केट यहाँ पे नवसारी में। सो लेने के बाद मैं सीधा घर पे आई, फ्रेश हुई क्योंकि मैं 3 बजे के बाद निकली थी। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई यहाँ पे, अभी तो बिल्कुल भी विंटर जैसा नहीं लग रहा है। क्या होता है, शाम होती है थोड़ी बहुत हल्की हल्की ठंडियाँ होती है और सुबह मॉर्निंग में थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। आने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए, अपने नाइट सूट में आ गए हैं। चलिए फिर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी होगी मैंने इस महीने अपने लिए ग्रोसरी में क्या क्या लिया है। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी हॉल शेयर कर जा रही हूँ क्योंकि लास्ट मैंने दिवाली में आप लोगों के साथ शेयर किया था, राइट। सो चलिए फिर, चलिए अब ग्रोसरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस महीने मैंने क्या क्या लिया है, वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, और थक गई हूँ। किस किस को ये पसंद है, मैं अभी बाहर गई थी ना, नारियल वाली पीकर आई हूँ अभी, और ये कोकोनट की मलाई या फिर आप कोकोनट जो भी बोलो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल मैंने नारियल पानी पीना स्टार्ट किया है, चलिए इसे बाद में खाते हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने एक बार क्या क्या लिया है, क्योंकि बहुत सारा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, चलिए फिर आप लोगों को वन बाय वन करके दिखाती हूँ क्योंकि बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और 2-3 महीने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर कर रही हूँ, राइट। तो सबसे फर्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे ये खकरे लिए हैं, गुजराती लोग बहुत खाते हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा। ओके, इस तरह के बेकरी वगैरह में रेडीमेड खकरे मिलते हैं। ये घी जीरा फ्लेवर है और ये है कच्ची मेथी फ्लेवर है। मैं इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में बटर के साथ खाना बहुत पसंद करती हूँ, अमूल बटर का खाना वो इसके ऊपर स्प्रेड करती हूँ, और चीज़ के साथ भी बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर, इस तरह से मैं चीज़ स्प्रेड कर देती हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फटाफट दिखाती हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ये मैदे वाली ब्रेड ली है, गेहूँ वाली भी ली है, गेहूँ वाली भी ली है, तो ये मैदे वाली है और ये आटे वाली है। ओके, तो ये दोनों ब्रेड ली है। इसके बाद मैंने गाइस एक और गार्लिक ब्रेड जो आता है ना, गार्लिक ब्रेड की स्लाइड आप जो भी बोलो, उसको इस तरह से कट करके यूज़ करना होता है, ये इस तरह से या तो बेकरी वगैरह में मिलती है गार्लिक ब्रेड की ब्रेड। ओके, तो एक ये है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस लिए हैं, यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बेस है। ओके, कल परसों बनाऊंगी पिज़्ज़ा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्लॉग में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है, फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग। ओके, और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है मैंने, ये मेरा फेवरेट है बाय द वे। चलिए ये बैग ख़त्म होती है, अब हम इसे यहाँ पे लाते हैं। प्लास्टिक के बैग की खड़खड़ की आवाज़ आएगी तो इसे भी इग्नोर कीजिएगा। ओके, माइंड मत कीजिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये मैगी है। ओके, मैगी, आई लव मैगी गाइस, मुझे बहुत पसंद है। आई नो कि मैंने पहले से बहुत कम कर दी, पहले तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार मैगी ही खाती थी, अभी कभी कभी मन करता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। ओके, तो ये मैगी है एक पैकेट, दूसरा भी मैंने लिया है, अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ में तय करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक पास्ता लिया है। ओके, मेड इन इटली। ओके, तो ये वाला पास्ता मैंने एक बार लिया है।
फिर ये मिक्स दाल है, गुड लाइट की मिक्स दाल है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गाइस ब्राउन राइस लिया है, इस बार ये बिरयानी आई मीन बिरयानी वगैरह के बनाने के लिए, बिरयानी वगैरह बनाने के लिए ये ब्राउन राइस लिया है मैंने इस बार, बासमती राइस है। नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे एक और बिरयानी वगैरह के लिए ये बासमती राइस ली है। ओके तो ये दो राइस हो गई, ब्राउन राइस और एक ये, इसे साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पोहा का पैकेट लिया है, गुड लाइट का पोहा, आलू आई मीन आलू पोहा तो मेरा घर पे हफ्ते में दो या तीन बार बनते ही हैं, मुझे और दैनिक दोनों को बहुत पसंद है। तो ये पोहा जो भी बोलूँ, ये बेसन कौन सा है, ये बेसन है। ओके 1 kg का है ये बड़ा वाला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गाइस ये बूंदी ली है, अगर बूंदी का रायता वगैरह बनाना होता है तो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बड़ी वाली जो मीट आती है ना वो ली है, मैं मोमोज की चटनी वगैरह बनाती हूँ उसके साथ ये वाली मिर्च चाहिए मुझे, तो काश्मीरी चिली मिर्च आप बोल सकते हैं। ओके तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी वगैरह के लिए, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मूंग दाल है ठीक है 1 kg वाली, क्योंकि मेरे वहाँ अक्सर खिचड़ी वगैरह में मूंग दाल भी यूज़ करती हूँ इसलिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गाइस अगेन एक पास्ता लिया है, 1 get 1 free था शायद, तो ये 2 packets मैंने लिए थे। ओके अब ये ख़त्म हो गया, अब हम ये बड़ी वाली जो बैग ली तो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ 1 by 1 करके। ओके तो ये सबसे बड़ी वाली बैग है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मखाने है। ओके ये 250 ग्राम वाले हैं बड़ी साइज में, मखाने लिए हैं इस बार नहीं, हर महीने लाती हूँ मैं। अमूल की ये लस्सी है। ओके मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, फर्स्ट टाइम मैं लाई हूँ, देखते हैं, इसलिए मैं एक ही लाई हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम लाई हूँ। सो गुड लाइट की शुगर ये कुछ मैंने मुझे फ्री मिली है, फ्री नहीं, अगर हम कुछ अमाउंट की शॉपिंग करते हैं तो ये 1 kg की शुगर हमें सिर्फ 9 rupees में मिलती है, ऐसा कुछ रिलायंस में होता है। अगर आप नवसारी के हो तो आपको पता ही होगा रिलायंस जाते होगे तो। ओके यहाँ पे एक फन फूड लिया है वेज मेयोनीज ओरिजिनल वाला, मुझे इसमें गार्लिक वाला जो आता है वो बहुत पसंद है लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए मैंने फन फूड वाला मेयोनीज लेकर आई हूँ इस बार। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गाइस अमूल चीज़ स्प्रेड, ओके ये चीज़ लाई हूँ इस बार। नेक्स्ट अगेन एक चीज़ मैंने लिया है अमूल का ये, ओके 100 वाला छोटा सा, इसमें एक और बड़ा वाला भी मैंने लिया है, अमूल का ही है। आई लव चीज़ और दैनिक को भी चीज़ खाना बहुत पसंद है, आधी तो ऐसे ही पूरी कर देते हैं वो, सो मैं कुछ भी रेसिपी वगैरह नहीं बना पाती हूँ, ऐसे ही वो ख़त्म कर देते हैं। अभी इस बार मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है अमूल की बड़ी वाली है और आई थिंक 500 ग्राम की होगी, हाँ 500 ग्राम की है ये। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गाइस अगेन एक चीज़ स्लाइड ली है, ये अमूल की ही चीज़ स्लाइड है, अगर सैंडविच वगैरह बनाते हैं इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया एक और पैकेट मैंने लिया था मैगी में, पता नहीं इस बार ये नया फ्लेवर आया है शायद, आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न एंड चीज़। ओके तो इस बार ये भी लेकर आई हूँ। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक कर्ड है, एक नहीं ये तीनों मैंने मैंगो फ्लेवर में योगर्ट लिया है, मैंगो फ्लेवर में है तीनों। ओके मुझे मैंगो फ्लेवर में योगर्ट खाना बहुत पसंद है।
नेक्स्ट यहाँ पे ये कैच का ब्लैक पेपर लेकर आई हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था और घर पे बनाना बहुत ही कंटाला, बहुत ही बहुत टाइम लग जाता है, सो इस वजह से मैं रेडिंग लेकर आती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये जाम है शायद, हाँ ये तीनों फ्लेवर में जाम है, मैंगो जाम, मिक्सिड फ्रूट और ये पाइनएप्पल, इस तरह से तीन फ्लेवर में ये तीनों जाम है। ओके, तो वैसे जाम तो हम लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेड वगैरह के साथ मन करता है तो चल जाता है, इसलिए क्योंकि मुझे तो मीठा खाना बहुत ही कम खाती हूँ, मीठा डेनिस खा लेते हैं, सो लेकर आई हूँ इस पर, ये कुछ डिफरेंट लगाई है। नेक्स्ट अगेन एक योगर्ट, एक नहीं दो योगर्ट है, ये ग्रीक योगर्ट है आप देख सकते हैं, और फ्लेवर कौन सा है, रास्पबेरी। ओके, दोनों रास्पबेरी हैं। इससे पहले मैंने जो आप लोगों के साथ योगर्ट शेयर किए वो मैंगो फ्लेवर के थे और ये है रास्पबेरी फ्लेवर। गाइस कॉल आ गया था सो अब कंटिन्यू करते हैं। ये योगर्ट है रास्पबेरी फ्लेवर के, इससे पहले भी मैं लेकर आई थी, मुझे पसंद है, डेनिस को ये फ्लेवर नहीं अच्छा लगता लेकिन मुझे अच्छा लगता था। नेक्स्ट अगेन एक पोहा का पैकेट है, 1 kg का है ये भी, और 2 kg पोहा मैंने इस बार लाया है क्योंकि पोहा अक्सर हम खाया करते हैं और पसंद है दोनों को, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे अमूल का ये बटर है, मैं अमूल का ही बटर लाना पसंद करती हूँ और अमूल का ही मुझे बटर का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी और का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। ये 500 ग्राम का है शायद, आई डोंट नो कितना है। तो ये अमूल का बड़ा वाला बटर है। ओके, नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पे ये ओट्स लिए हैं, छोटे छोटे वाली पैकेट हैं। ओके, ये टोमेटो फ्लेवर है, ये वेजिटेबल वाला फ्लेवर है। ओके, इसमें मैंने एक और भी लिया था मसाला वाला, आई डोंट नो अभी मिल क्यों नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये गार्लिक चटनी है गाइस, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है और ये गार्लिक चटनी देखते हैं टेस्ट कैसा है। ऐसे घर पे भी बना सकते हैं लेकिन मुझे बहुत आलस आता है, तो मेरे रेडी में मुझे मिल गया तो मैं लेकर आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये नूडल्स किए हैं, नूडल्स का जो मसाला मिलता है ना 10 rupees वाला, ये मैंने इस बार 2 परचेज किया है, चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। ओके, तो ये 2 लेकर आई हूँ और इसमें राइस वाला भी लेकर आई हूँ, यस ये फ्राइड राइस वाला है, 2 मसाला फ्राइड राइस। ओके, तो ये है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर्ड लेकर आई हूँ, दही अमूल का मस्ती दही लेकर आई हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ये सॉल्ट है टाटा का, 2 लेकर आई हूँ, 2 महीने तो चल जाएगा। और गाइस मैं ये जितनी भी ग्रोसरी लेकर आई हूँ ऐसा नहीं कि ये मेरी मंथली ग्रोसरी है, ये शायद मुझे अभी 1.5 या फिर 2 महीने तक तो चल जाएगी आराम से, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ से लेकर आ जाती हूँ नीचे दुकान से, तो ये सब जो मैं लेकर आई हूँ वो मुझे 2 महीने तो आराम से चलने वाला है। ओके, और राइस वगैरह तो जैसे कि आपको पता ही है, राइस दाल वगैरह तो मैं साल का ही पूरा स्टोर करके रखती हूँ तो वो मैं नहीं लाती हूँ। ये अगेन मेरे पास मस्ती दही है, मस्ती दही यहाँ पे ये छाछ लेकर आई हूँ, अमूल की मस्ती मसाला छाछ। मैं ना वसुधरा वाली जो छोटी वाला पैकेट आता है ना वो लाती हूँ, लेकिन ये मैंने कभी ट्राई नहीं की, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है आप लोगों को, राइट, ये क्या है, ये माउथ स्प्रे है कॉलगेट का है। ओके, ये ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बेस्ट होता है ये गाइस, मैं लेकर नहीं आने वाली थी लेकिन क्या था, मैंने कुछ अमाउंट की शॉपिंग की तो वो बोल रहे थे कि अगर आप ये लेते हो तो आपको सिर्फ 9 rupees का ही पड़ेगा और इसकी एक्चुअल MRP है 90 rupees न्यू, सॉरी 90 rupees भी नहीं, 99 rupees का ये है, लेकिन मैंने कुछ अमाउंट की शॉपिंग की तो मुझे सिर्फ ये 9 rupees में ही 9 rupees में ही पड़ा है, सो फिर मैं लेकर आ गई। अगर ट्रैवलिंग वगैरह में जाना है और शायद 2-3 महीने के बाद हम लोग कहीं प्लान भी कर सकते हैं। ओके, और
क्योंकि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद नहीं, एक साल हो गया है कोरोना को और कहीं भी हम लोग बाहर नहीं गए और बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कई बार घूमने का। सो इसलिए कहीं ना कहीं तो जाना है अभी एक दो महीने में। चलिए फिर तो ये है मेरा माउथ। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक कॉलगेट का सॉल्ट है। इससे पहले मैं क्लोजअप वाला यूज़ करती थी लेकिन वो भी मुझे सूट करता है और इस बार मैं ये कॉलगेट का चारकोल वाला भी लेकर आई हूँ। देखते हैं ये इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट कैसा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कुछ अलग डिफरेंट। चारकोल एंड मिंट, बॉम्बो चारकोल एंड मिंट, ओके। तो अगर आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा किसी ने तो बताएगा कि इसका फ्लेवर आपको कैसा लगता है। कॉलगेट का ये सॉल्ट वाला दो ये लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मसाला ओट्स में एक और भी लेकर आई हूँ, ये क्लासिक मसाला ओट्स है, ओके, छोटू वाला। नेक्स्ट अगेन मेरे पास यहाँ पे ये मैंगो मदर रेसिपी का मैंगो पिकल है। ये दो पिकल लेकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ खाना। सो ये वाला घर पे भी बनाते हैं लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये जो खट्टा मीठा फ्लेवर आता है ना, खट्टा मीठा नहीं एकदम खट्टा होता है, आई थिंक नहीं, ये खट्टा पिकल होता है, राइट। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो बताइएगा। मैंगो आम का ये पिकल है, अच्छा, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ग्रीन चिली वाला पिकल लेकर आई हूँ इस बार। ग्रीन चिली वाला लिली, आप क्या बोलते हो, हरी मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार ही बोलते हैं हिंदी में। फिर नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पे एक खजूर आमली की चटनी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे खट्टी मीठी इमली खजूर की चटनी। मुँह में पानी आ जाता है ऐसा वर्ड सुनकर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये अमूल का काऊ घी लेकर आई हूँ इस बार, देसी घी है ये। गाइस मैं घर पे भी बनाती हूँ घी लेकिन क्या होता है अगर कुछ हम रोटी वगैरह में लगाने के लिए और थोड़ी बहुत रेसिपी में यूज़ करने के लिए अच्छा होता है, और जो मैं घर पे बनाती हूँ देसी घी वो मैं ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, ओके। तो ये है नेक्स्ट एंड लास्ट गाइस मेरे पास यहाँ पे है ये आशीर्वाद का आटा लेकर आई हूँ इस बार में, ओके। आप देख सकते हैं ये कितने ग्राम का है, 5 kg का है, आई थिंक 5 kg का ही है आशीर्वाद का ये मैं आटा लेकर आई हूँ, ओके। तो गाइस ये कुछ ग्रोसरी थी जो मैंने इस बार अपने लिए ली है। मैं देख रही थी, हाँ कुछ बचा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो दो खीरा आप लोग देख रहे हैं राइट, मैं बेकरी से लेकर आई हूँ, ये इडली डोसा वगैरह के लिए है। यहाँ पे हमारे बेकरी वगैरह में इस तरह के रेडीमेड खीरा मिलता है, सो इजी होता है, फटाफट हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो मैं वही लेकर आती हूँ। सो गाइस यही था मेरा इस बार का ग्रोसरी हॉल। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये हॉल पसंद आया होगा। मुझे पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। और गाइस मैं सोच रही थी कि ये व्लॉग ये ग्रोसरी हॉल को मैं अपनी व्लॉग चैनल पर डालूँ लेकिन वहाँ पर तो कोई देखने वाला है ही नहीं, बहुत कम लोग देखते हैं राइट। सो ये मेरी मेन चैनल पे ही जाएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।